हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ। आज का जो अपडेट है वो आपके चेहरे में मुस्कान ला देगा, क्योंकि आज का अपडेट कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड हो चाहे कोई भी सब्सिडरी हो, आप किसी भी सब्सिडरी में जॉब करते हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपका बाल बच्चा है तो, अगर नहीं है तो फिर आने वाला टाइम में गुड न्यूज़ है। तो अगर आपका बाल बच्चा है यानी बेटा या बेटी है जो किसी स्कूल में पढ़ता है, 5 क्लास में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में डिप्लोमा कर रहा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, मेडिकल कर रहा हो, कुछ भी अगर पढ़ाई कर रहा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड आपको स्कॉलरशिप देगी। ये कोल इंडिया लिमिटेड अपने ऑफिशियल वेबसाइट में कह रही है और एक फॉर्म भी निकाली है। और ऐसा नहीं है कि ये कोल इंडिया लिमिटेड पहली बार कर रही है, CIL हो और उसके जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है सब में ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। CIL क्या करती है, अपना एक लमसम अमाउंट डिसाइड करती है और उसी अमाउंट को कुछ अपने एम्प्लॉय वार्ड के जो बच्चे होते हैं उसमें स्कॉलरशिप के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब पूरा डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए आप अगर देखना चाहेंगे तो आप कोल इंडिया लिमिटेड का कोई भी सब्सिडरी को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं CCL ओपन कर रहा हूँ। CCL ओपन करके सर्च करेंगे, देखिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यहाँ पर आ गया होगा आपका ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए लिखा होगा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, तो आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे इस ये साइट ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा इंग्लिश या हिंदी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में चूज़ कर लेना है जो आपको भाषा सही लगे। देन आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नोटिस का एक सेक्शन आ रहा होगा, नोटिस सेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा स्क्रॉल होगा नोटिस, ठीक है, आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा। थोड़ा देर आपको वेट करना है, बहुत सारा नोटिस पार होगा। इसके बाद एक नोटिस आएगा, नोटिस फॉर CIL स्कॉलरशिप फॉर ईयर 2022-23। आप अगर गौर करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, नोटिस फॉर CIL स्कॉलरशिप ऑफ ईयर 2022-23, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नोटिस काफ़ी पहले जारी किया गया था बट मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 15 अक्टूबर तक डेट है अभी। अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी सब्सिडरी में हो, आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 30 सितंबर है, लेकिन अगर आप CCL में हैं तो आपका अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 अक्टूबर है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास अभी भी इनफ टाइम है। कैसे अप्लाई करना है, क्या है स्कॉलरशिप, कैसे पैसा मिलेगा, सब आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, कोल इंडिया के एम्प्लॉय हैं या कोई भी कोल सेक्टर के या माइनिंग सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर बताइएगा कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ पर जा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय का बहुत सारे चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तभी मैं समझ पाऊँगा और मैं आपकी समस्या को ज़रूर कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। तो कोल इंडिया लिमिटेड का स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करेंगे मैं बता रहा था। तो देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर में लिखा हुआ है, CIL छात्रवृत्ति योजना के तहत 2022-23 सत्र में आवेदन मांगा गया है। जो आपका बाल बच्चा है वो चाहेगा तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कुछ कंडीशन रखा गया, सबसे पहला कंडीशन है कि उस बाल बच्चा का नाम पे अगर आपका बेटा है या बेटी है, सिर्फ पुत्र और पुत्री को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, भतीजा भतीजी भांजा भांजी किसी को नहीं माना जाएगा। तो पुत्र और पुत्री है बस इसी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो आपका पुत्र पुत्री के नाम पे बैंक खाता होना चाहिए, अगर नहीं है तो सेविंग खाता खुला दीजिए, 2-3 दिन में, 1 दिन में तो खुल जाता है आजकल ऑनलाइन में, तो 1 घंटा में खुल जाता है। तो जो भी हो बस बैंक खाता एक होना चाहिए, उसी पे पैसा आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको समझाता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको कोल इंडिया के वेबसाइट पर जाना है और फॉर्म को डाउनलोड करना है। कैसे करेंगे आपको समझाते हैं। कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिएगा, क्रोम ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, UC ब्राउज़र, जो भी आपके मोबाइल पे होगा, इस पर सर्च कीजिएगा CIL स्कॉलरशिप। आप इतना लिख के बस इंटर का बटन दबाइएगा, आपके स्क्रीन पे आएगा सेकंड नंबर पे, आप देखिएगा शायद आपका फर्स्ट में भी आ सकता है, CIL स्कॉलरशिप लिख के। यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक है, ग्रीन टिक का मतलब होता है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ये कोल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट में CIL स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा सेंट्रल कोलफील्ड .in का PDF है। तो आप यहाँ से चाहेंगे तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली इसको डाउनलोड करने के लिए बस इसमें क्लिक करना है और वेट करना है। देखिए ऑटोमेटिकली ये आपका फॉर्म खुल जाएगा PDF फॉर्मेट में, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए दो टाइप का इसमें स्कॉलरशिप रखा गया, दो कैटेगरी है।
पहला कैटेगरी है मेरिट स्कॉलरशिप और दूसरा कैटेगरी है जनरल स्कॉलरशिप। पहले मैं जनरल के बारे में बताता हूँ। जनरल में मतलब अगर आपका बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहा है, 6 क्लास में पढ़ रहा है, 7 क्लास में पढ़ रहा है, 8 में है 9 में है 10 है 11 है 12 है BA BSc MSc कुछ भी कर रहा हो उसको मिलेगा स्कॉलरशिप। तो अगर 5 से 8 के बीच में है तो आपका बच्चा का लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ होगा, लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में, उसमें 80% मार्क्स होना चाहिए। समझते हैं क्या चीज़ बोल रहे हैं? अगर आपका बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक, तो आपका बच्चा जब 4 क्लास पास किया एग्ज़ाम देके, उसमें 80% होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 8 क्लास में पढ़ रहा है तो आपका बच्चा जब 7 क्लास का परीक्षा दिया उसमें 80% नंबर होना चाहिए। अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अपने बच्चा को आप समझाइए, थोड़ा नंबर लाएगा, ठीक है, चलिए स्कॉलरशिप मिलेगा, उसको प्रोत्साहन दीजिए। अगला कैटेगरी है 9-10 कैटेगरी, यानी क्लास 9 में या 10 में पढ़ रहा होगा तो 75% मार्क्स चाहिए एनुअल लास्ट एग्जामिनेशन में। यानी अगर 9 क्लास में पढ़ रहा है तो 8 क्लास का जो परीक्षा दिया था उसमें 75% मार्क्स होना चाहिए, और अगर 10 में पढ़ रहा है तो 9 का परीक्षा में 75% मार्क्स होना चाहिए। क्लास 11 और 12 में अगर पढ़ रहा है तो 70% मार्क्स होने चाहिए लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा 11 क्लास में अभी पढ़ रहा है तो 10th क्लास में आपका बच्चा का 70% होना चाहिए, और अगर 12 क्लास में पढ़ रहा है तो 11 क्लास में 70% स्कोर होना चाहिए। अगर आपका बच्चा BA कर रहा है, BSc कर रहा है, BCom कर रहा है, MA कर रहा है, MSc कर रहा है, MCom कर रहा है, MBA कर रहा है, CA कर रहा है, ICWA कर रहा है, कंपनी का कोई भी सेक्रेटरीशिप वाला कर रहा है, जनरल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहा है, कुछ भी ग्रेजुएशन में कर रहा है, तो आपका बच्चा का 60% होना चाहिए लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में। अब ये क्या चीज़ होता है सर, समझिएगा। आपका बच्चा मान लीजिए सेकेंड ईयर में है, BA कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर में जो परीक्षा दिया था उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर BA फर्स्ट ईयर में है तो 12 क्लास में 60% होना चाहिए। तो यही यहाँ पे बोला गया है, लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन 60%। अगर कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट होल्डर है या टेक्निकल डिग्री कर रहा है, जैसे ITI कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर रहा है, तो 75% मार्क्स लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में होना चाहिए। अगर डिप्लोमा कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, डिप्लोमा माइनिंग कर रहा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल कोई भी ब्रांच में कर रहा हो, तो उसका 75% मार्क्स लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में होना चाहिए। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है डिग्री में, तो उस कंडीशन में 60% मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन में होने चाहिए। अगर आप ये कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म मैं आपको बताऊँगा कैसे भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको डिस्पैच कर देना है, जिस प्रॉपर चैनल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आपका बच्चा अगर सेलेक्ट होता है इस कैटेगरी में, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, तो कंपनी एक लमसम अमाउंट डिसाइड की है कि हम इस कैटेगरी में इतना पैसा बांटेंगे, तो जितना भी बच्चा उसमें सेलेक्ट होगा उसको दिया जाएगा। ये तो था जनरल स्कॉलरशिप। अब आता है मेरिट वाला। अब मेरिट स्कॉलरशिप क्या है? मेरिट स्कॉलरशिप है कि मतलब जो 1 से 20 यानी जो टॉप 20 में आते हैं, टॉप 20 में किस में, जो 10th क्लास का परीक्षा दिए जस्ट अभी अभी, 12th क्लास का परीक्षा दिए जस्ट अभी अभी, तो 10th क्लास में या 12th क्लास का परीक्षा दिए हैं और स्टेट में, यानी कि स्टेट में या सेंट्रल में, जैसे झारखंड में टॉप 20 जो बच्चा होगा वो अगर अप्लाई करते हैं 10th क्लास में अगर जो पास किए या 12th क्लास में, इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टॉप 20 होगा अप्लाई करते हैं, तो उसको डायरेक्ट स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई छाटा छाटी नहीं किया जाएगा, सबका सबको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब कैटेगरी देखिए, इसमें तो लिखा नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, 30,000 रुपये तक मिल सकता है, ठीक है, 30,000 रुपीज़ तक मिल सकता है 12th क्लास वालों को, और 10th क्लास वालों को 20 या 25 के आसपास मिल सकता है। इसी तरह से अगर इस कैटेगरी में हम बात करें तो इस कैटेगरी में पैसा घटते हुए क्रम में बढ़ेगा, यानी 5-7 हज़ार रुपया पर ईयर से बढ़ते जाएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक अगर हम पहुंचेंगे डिग्री तक, यहाँ पे 30,000 तक बच्चा को मिल सकता है। आप सोचिए, अगर 30,000 रुपया फ्री पॉकेट का मिल जाएगा तो आप छोड़ना नहीं चाहिए, उसको ले लीजिए, बच्चा का काम आएगा स्कॉलरशिप में। अप्लाई कैसे करना है सर? यही वाला फॉर्म जो डाउनलोड करिएगा आप, उसके नीचे में देखिएगा तो फॉर्म है, इसमें आपको बच्चा का डिटेल लिखना है, बच्चा का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन स्कूल में पढ़ता है, क्या नंबर लाया था, पूरा डिटेल में लिखना है, और जो सर्टिफिकेट होगा आपका बाल बच्चा का, उसका आधार कार्ड,
उसका टेंथ का, अगर टेंथ दिया हुआ है तो टेंथ का फोटो जेरेक्स, या जो नंबर लाया है मार्कशीट वाला उस सबका जेरेक्स, उसको अटैच करना है। इस फॉर्म को पूरा भरना है, अपना एरिया ऑफिस में साइन करवाना है, मैनेजर साहब से भी हो सकता है कोलियरी का सील लेना पड़े, कोलियरी का या डिविजनल सील लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एरिया के थ्रू, एरिया यानी डिस्पैच में जाना है आपको एरिया का, और वहाँ पे आपको पूरा डिटेल ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पोस्ट कर देना है ये वाला फॉर्म, है ना। इसमें आपको 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने में, तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। 1-2 दिन का झमेला ज़रूर है, लेकिन आपका बच्चा का लाइफ में थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। चलो ये तो हो गया कि स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा क्या चीज़ है कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा बच्चा को, तो वो वाला सर्टिफिकेट थोड़ा सा काम का होता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अगर टॉप 20 के बीच में आता है तो, सेमिनार वगैरह होता है तो उसमें अटेंड करवाना है एकदम, और ले लेना है, ठीक है। तो आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है ये, आप एरिया में जाके अच्छे से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, आप अपना कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल बटन होगा सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको तक सबसे पहले पहुंचे। और जो कोल इंडिया या कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके अपना समस्या बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का या उसको सॉल्व करने का। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।